भारतीय सर्व सेवा संगठन गुरुनगर कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न। बैठक में गुरुनगर परिषद की 23 समस्याओं को लेकर किया गया चर्चा। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां रीवा में भारतीय सर्व सेवा संगठन के गुरुनगर कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में गुरुनगर कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों द्वारा गुरुनगर पंचायत में संगठन के सशक्तिकरण के विषय को लेकर चर्चा किया गया। साथ में गुड़ की समस्याओं के विषय पर भी चर्चा किया गया। वहीं संगठन के अध्यक्ष राम प्रसाद तिवारी जी ने कहा कि गुरुनगर परिषद में ठंड काफी बढ़ गई है, लेकिन गुरुनगर परिषद अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं किया है। वहीं संगठन के अध्यक्ष राम प्रसाद तिवारी जी ने कहा कि गुरुनगर परिषद में ठंड काफी बढ़ गई है, लेकिन गुरुनगर परिषद अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं किया है। ऐसे में कार्यकारिणी के अध्यक्ष राम प्रसाद तिवारी जी ने कहा है कि नगर की परिषद गुरुनगर परिषद ठंड को देखते हुए जल्द से जल्द सार्वजनिक जगह पर अलाव की व्यवस्था करे, ताकि गुरुनगर वासियों को ठंड से कुछ राहत मिले। बैठक में संगठन के गुरुनगर कार्यकारिणी के अध्यक्ष राम प्रसाद तिवारी, संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिनेश शर्मा, कार्यवाहक अध्यक्ष चूड़ामणि गुप्ता, उपाध्यक्ष सरदार मिश्रा, मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, सचिव उमेश शुक्ला, संगठन प्रचारक गोविंद नारायण सिंह, सह संगठन प्रचारक तेजभान तिवारी, कोषाध्यक्ष बुद्धसेन तिवारी, सह सचिव शिव शंकर गोस्वामी, सह सचिव रमेश पटेल, वार्ड प्रभारी रामायण त्रिपाठी, वार्ड प्रभारी धीरेन्द्र शर्मा एवं कई सदस्य मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।